Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. Law of attraction जो बोलते हैं, उसको जैनिज्म से अपन कैसे समझते हैं? कि law of attraction को जैनिज्म से हम कैसे समझ सकते हैं? जैनिज्म का एक सिंपल सा सूत्र है कि जैसा भाव, वैसा परिणाम. जैसा तुम्हारा भाव है वैसी घटनाएं करने वाली है, बनने वाली है. यही कर्म विज्ञान है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि तुम जैसे भावों में जियोगे तुम वैसी अवस्थाओं को प्राप्त करोगे, वैसी परिणतियों को प्राप्त करोगे. अगर तुम्हारे भाव उदार है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ लौट करके जो आने वाली चीजें होंगी वो उदारता के साथ होंगी. तुम्हारे भावों के अंदर द्वेष भरा पड़ा है तो तुम जहां जाओ तुम किसी को पसंद नहीं करते, तुम लोगों को काटते हो, लोग तुम्हें काटेंगे. जिस भाव दशा में तुम हो उसी भाव दशा की परिणति तुम्हें प्राप्त होती है. दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो वो क्या कह रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह करके हमें सिखाया क्या जा रहा है कि तुम अपने भावों को वैसा बनाओ जैसा तुम चाहते हो. ठीक. जैनिज्म क्या कह रहा है? तुम अपने कर्मों को सुधारो क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सृष्टि रचना है. कोई भगवान नहीं बैठा तुम्हें फल देने वाला, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें लौट के आने वाले हैं. ठीक है. यही बात हिंदुइज्म क्या कह रहा है कि राम किसी को मारे नहीं, ना ही पापी राम, मरते अपने आप है कर कर खोटे काम. राम जो रोके बैठ कर सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे. मतलब जिसकी जैसी भावना होगी उसको वैसा ही फल मिलने वाला है. दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तुम्हारी भावना जैसी है उसी को तुम अट्रैक्ट करोगे ना. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह दो, कर्म सिद्धांत कह दो, जैनिज्म का सिद्धांत कह दो, एक ही बात है. आचारांग सूत्र का एक सूत्र कोट करना चाहूंगी. बहुत प्यारी बात आचारांग सूत्र के 5वें अध्याय में आती है कि आवंती के आवंती एनसी लोगनसी परिजानी अवंती. बड़ा सूत्र, मैं शॉर्ट में बोल रही हूं कि इस लोक के अंदर जो जिस दशा में आता है उसमें आता ही चला जाता है. मतलब अगर कोई आरंभ कर रहा है, कोई शोरगुल मचा रहा है तो वो मचाता ही चला जाता है. कोई अनारंभ भी हो गया है, शोरगुल नहीं मचा रहा, शांत हो गया तो वो शांत होता चला जाता है. आप एक बार स्टार्ट कर दो फिर आपकी गाड़ी उसी दिशा में बढ़ती चली जाती है. अनटिल और अनलेस, जब तक आपने संकल्प चेंज ना करो, मोड़ चेंज ना करो, मोड़ चेंज ना करो यानी संकल्प चेंज ना करो. तो मतलब क्या हुआ कि आप एक बार जिस दिशा में कदम बढ़ा लेते हो आप उस दिशा में वापस खींचे जाते हो. अब वापस आपको वहां से बाहर निकलने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत होती है. सजगता से अपने मूड को चेंज करना पड़ता है. नहीं होता, जैसे आप सुबह उठे और एकदम रोना आ रहा है, दुख आ रहा है अंदर से, तो पूरा दिन ऐसा लगता है बस मूड ऑफ ही है. फिर कोई ऐसी घटना प्रबल घटे या आप अपने आप पे वर्क करो और अपने आपका मूड को चेंज करो तो आपकी घटनाएं बदलती है, नहीं तो एक ही दिशा में चलते चले जाते हो. दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप जैसा भाव करोगे आप उन्हीं चीजों को प्रकृति से खींच लोगे. प्रकृति में सब कुछ मौजूद है, ये सागर की तरह. आपका लक्ष्य क्या है? सागर के किनारे पर मछुआरा भी जाता है और जो सागर में सीप मोती इकट्ठा करना चाहता है वो भी जाता है, और जो सागर की गहराई में जाके रत्न निकालना चाहता है वो भी जाता है. आप किस उद्देश्य से गए हो आपको सागर वो देगा. तो संसार में सब कुछ है. आपका कल्प क्या है? जो आपका कल्प है, जो आपका संकल्प है वो आपकी सृष्टि है. और आपका संकल्प कुछ भी नहीं है, आप कहते हो डिजायरलेस. मैं किसी से प्रभावित होकर नहीं चलूंगा, ना मन इंद्रियों की कामनाओं से, ना अपने मन इंद्रियों के पूर्वाभासों से, इंट्यूशन से भी नहीं. मैं एकदम शून्य रहूंगा. तो आप कंप्लीट हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे. और जब तक कुछ डिजायर है तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पे काम करेगा, आपके डिजायर के अकॉर्डिंग चीज आपको लाके देता जाएगा. और डिजायर लेस हो गए तो ठीक चेंज. अब यहाँ एक और समझने वाली बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि हर आदमी सुख अपने लिए चाहता है पर वो भूल जाता है कि जिसके पास सुख आता है उसके पास दुख भी साथ आता है. जो संयोग मांगता है वियोग उसके साथ अवश्यम भावी आता है, और जो जीवन मांगता है
मृत्यु उसके पास अवश्य भावी आती है। तो लोग सवाल करते हैं कि हमने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया, हमने तो केवल प्यार मांगा था, ये क्यों आ गया? जिससे प्यार किया वो व्यक्ति मुझे मिला, पर उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी, उसकी आदतें, वो सब क्यों मिली? तो भैया यही तो बात है, सिक्के का एक पहलू नहीं पकड़ा जाएगा, सिक्के को उठाओगे तो दूसरा पहलू भी साथ ही आएगा। मतलब आदमी को लगता है ये वर्क नहीं करता, हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। लोग बोलते हैं ना, हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपकी सोच, हमारी सोच, हम सबकी सोच एक पक्षीय होती है, कुछ आयामों को छूती है, सबको तो हम जानते ही नहीं है तो छुएंगे कैसे। और हम में से हर आदमी अनुकूल अनुकूल को चाहता है, पर वो जानता नहीं कि अनुकूल के चाहने में ही प्रतिकूलता शामिल है। ये ज्ञान के अभाव में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमें लगता है ये तो कौन चाहेगा। जैसे कोई भी आदमी कहता है अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ होता है तो इस दुनिया में बीमारी कौन चाहता है? कोई भी तो बीमारी नहीं चाहता, फिर लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? क्यों पड़ते बीमार? लोग बीमारी नहीं चाहते, लेकिन मीठा खाने की हैबिट छोड़ना नहीं चाहते। मीठा खाना बहुत पसंद है तो उसका रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस बीमारी आएगी, है ना? कोई आदमी गरीबी नहीं चाहता, हर आदमी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते तो अमीरी 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 के सपने देखेगा, फिर गरीबी क्यों आएगी उसकी जिंदगी में? प्रकृति का नियम है कि जब तुम्हारी जेब में पैसा आता है तो किसी की जेब से जाता है, और जब किसी की जेब में पैसा बढ़ता है तो तुम्हारी जेब से कम होता है। लाभ और हानि जुड़े हुए हैं, तो अगर तुमने लाभ ही चाहा है तो हानि भी साथ ही आएगी। किसी टाइम उस हानि को तुम लाभ रूप में देख सको, ये ज्ञान तुम्हें मिला तो तुम मुक्त हो सकते हो, अन्यथा तो हो ही नहीं सकते। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट विजन नहीं देता सत्य का, पर वो बात सत्य है, सत्य का एक सही पहलू है वह कि हम जो लाते हैं हमारी जिंदगी में, जो भी आता है वो हमारे भावों से आता है, पर हम अपने भावों के विज्ञान को नहीं समझ पाते। इसीलिए अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा कुछ और समझना है इसी को, सिद्धांत को, तो आप विराट गुरु जी की लिखी हुई किताब पढ़ो, अच्छा भावो अच्छा पाओ। इस किताब को पढ़ो, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अच्छे से समझ में आएगा। और एक दूसरी और किताब है विराट गुरु जी की लिखी हुई, किसने बनाया संसार, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, अब उस किताब को पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में क्या और जैनिज्म क्या है ना। जय हो।